नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के फाइनल रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि किस गठबंधन को कितनी सीटें यूपी के अंदर से मिलती हुई नजर आ सकती हैं। आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने निकल के आए हैं दोस्तों। 4 जून को नतीजे जारी होंगे, उससे पहले आप लोग यहाँ पर आंकड़े जान सकते हैं। हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिएगा, आंकड़े जानेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर ही यहां पर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश यहां पर इस बार किसको ज्यादा सीटें दे रहा है, यानी कि किस गठबंधन को जिता रहा है ज्यादा सीटें। 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहां पर उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। जिस गठबंधन या जिस पार्टी को ज्यादा सीटें यूपी में आती है, वही यहां पर केंद्र की सत्ता भी पाता है। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, आंकड़े ही चौंकाने वाले सामने निकल के आए हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर भारी बढ़त बनाई थी और थोक में सीटें जीती थी यूपी के अंदर से, लेकिन इस बार यहां पर माहौल पूरी तरह से अलग है। बीजेपी के कोई भी मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने तमाम तरह की ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है सामने, फाइनल आंकड़े आए हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी को बेहद ही बड़ा झटका यूपी के अंदर से ही लगता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को आंकड़े बताएं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि 2019 में यहां पर एनडीए के पास में कितनी सीटें थी। यहां पर बताते चलें कि बीजेपी 62 सीटें यहां पर जीती थी, जबकि मायावती की पार्टी 10 सीटें और समाजवादी पार्टी 5 सीटें यहां पर लोकसभा की जीती थी, और कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार गठबंधन अलग है और जमीन पर भी ये गठबंधन देखने को मिल रहा है। गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। आंकड़े आप लोगों के सामने आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहां पर बीजेपी की भारी मात्रा में सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं यूपी के अंदर। 80 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में 42 से 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 से 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन को यूपी में भारी फायदा हो रहा है, और वहीं बीजेपी का बड़ा नुकसान यूपी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 272 का जो आंकड़ा है, उसमें यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। जो मैजिक नंबर है, उससे यहां पर बीजेपी दूर भी नजर आ सकती है, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं यानी कि यूपी, वहीं पर बीजेपी की सीटें जबरदस्त कम होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये यहां पर फाइनल रिपोर्ट सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी सर्वे से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि यूपी के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता आप लोग किसको मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।